हाय, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने फेस का फेशियल, जो कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई पड़ी है। डार्क सर्कल हुए पड़े हैं, पिगमेंटेशन और पता नहीं क्या क्या। तो करते हैं फेशियल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स। तो मैं यूज़ करूँगी डर्मा शाइन का फेशियल। ये ना मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, बहुत मतलब मेरी स्किन बड़ी इसके साथ सही रहती है। मैंने और भी यूज़ किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ जो है ना मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलो जी, क्लींजर मुझे मिला नहीं। क्लींजर जो है वो मैंने किचन में रखा हुआ है, क्योंकि मैं समटाइम कर लेती होती हूँ ना। हैं, वो भी कहाँ गया? मिल गया मुझको। तो अब स्टार्ट करते हैं फेशियल। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी बैंड, तो वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने अपने दुपट्टे का ही बैंड सा बना के ना सर को कवर कर लिया कि बालों में ना जाए, क्योंकि मैंने आज ही अपना सर धोया और बार बार धोने से मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। यहाँ का पानी जहाँ पे मैं रहती हूँ मुझे बहुत कम सूट करता। सबसे पहले करनी थी क्लींजिंग, तो क्लींजर जो है वो बार बार गिरे जा रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं यही पकड़ के अपने मुँह पर लगा लूँगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लींजर को सबसे पहले मैंने लगा लिया अपने फेस पर, नेक पर, और मसाज करना स्टार्ट कर दी। अब अपने हाथों से मसाज करना, सबसे पहले तो बाजू ही थक जाते हैं ना, मेरे तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है ना बहुत कम ही कहीं जाती हूँ करवाने, अपना घर में ही करती हूँ। तो 3 से 4 स्टेप के साथ मैंने अपनी मसाज करना शुरू कर दी, और साथ साथ पानी का भी यूज़ करती रही, पानी साथ साथ लगाती रही, ताकि जो है ना क्रीम मेरी स्किन में सूख ही ना जाए इतनी जितनी मेरी पैरी स्किन हुई पड़ी है। तो मैंने इन 3 से 4 स्टेप के साथ अच्छी तरह से अपनी स्किन को की मसाज, आप भी देखें। तो अच्छी तरह से मैंने अपनी स्किन को कर लिया है अब साफ। पहली ही क्लींजिंग के साथ, क्लींजर के साथ ही जो है ना मुझे बड़ा फ्रेश फ्रेश स्किन फील कर रही थी। तो उसके बाद मैंने लगाई मसाज क्रीम, इसको मैंने मसाज अच्छे तरीके से, वैसे ही सेम ही स्टेप होते हैं, तो मैंने करना शुरू कर दी मसाज अपने फेस की। ब्लीच मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्यादातर ना सूट नहीं करती, तो बेहतर दाने वगैरह निकलवाने से मैं ना ऐसे कर लूंगी स्किन पॉलिशर। ऐसे सारे स्टेप होते सेम ही हैं, बस ना हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलरों में जाकर इतने इतने पैसे देते हैं, मतलब जैसा खराब होता ना। मेरे जो बाल था ना वो बार बार ही आगे आ जा रहे थे, बार बार में मुझे बड़ा तंग किया। मेरे छोटी सी जो लट निकली हुई है इसने, बार बार मैं इसको पीछे कर रही थी और मसाज कर रही थी, बार बार इसको पीछे कर रही थी और मसाज कर रही थी। मैंने बड़ा तंग किया, बार बार आगे आई जा रही थी, उसकी वजह से सही पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने ना साथ में अपने हाथों पे भी लगा ली, हाथों को भी साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद बारी है स्क्रब की। स्क्रब को ना इतना रगड़ रगड़ के नहीं इस्तेमाल करते, बहुत हल्के हाथों से जो है ना अपनी स्किन पे करते, क्योंकि जो दाने से होते हैं ना, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी को सूट नहीं करते, किसी को सूट कर देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही हल्का। तो ये है मेरी मास्क और ब्लीच लगाए के बगैर की स्किन, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिलता है, बहुत ही अच्छा आया। और हालांकि मैंने किया भी खुद है, किसी और से करवाया तो क्या ही बात हो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अभी हार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन जा, मेरे से बन ही नहीं रहा था। चलो जी बन गया, बाय।